Please come back. ट्रैफिक इतना जाम हो जा रहा है, ये पूरा जाम हर 5 मिनट को जाम है सब। बूढ़े लोग जाने आने की तकलीफ हो रही है, निकलना मुश्किल हो गया। प्रभु इसकी रोड है। ऐसे सब आप कुछ पावर के साथ आए या खाली सुनने के वास्ते? ये बोल सकते, बोल सकते ना। अभी ये सुन लीजिए, यहाँ जो घर है इन्हों क्या करना, गाड़ी कहाँ रखना, उन्हें कहाँ रखना गाड़ी। गाड़ी जो रूम का रास्ता दिए ना हॉस्पिटल वाले सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, जो इंस्ट्रक्शन दिए, सुपरिटेंडेंट को इंस्ट्रक्शन देखिए अपने हमारे लोग। हाँ, सुपीरियर ऑफिसर आपके क्या इंस्ट्रक्शन दिए बोलिए? ये गली के अंदर अपार्टमेंट है, सो उन्हों कैसा जाना पूछ रहे हैं। उनके लिए रास्ता है ना सब? नहीं है, नहीं है। अपार्टमेंट एक ही अपार्टमेंट है सर, दो है, दो है। एसकेसी रेजिडेंसी, वो लोग आए थे सर हमसे मिले, वो बोले कि बैरिकेड अपार्टमेंट से इधर लगाए तो उनको कुछ वैसे ही शिफ्ट करें सर, अपन उसको प्लान कर लेंगे उसे, ठीक है ना। हमारे पास पूरे गायनिक और पीडियाट्रिक के छोटे छोटे 300 ऑक्यूपेंसी है सर, न्यूबॉर्न का, 1 डे 2 डे का। हेलो, आज हमारे हॉस्पिटल को जनाब जाहर हुसैन मिराज साहब आके हमारे हॉस्पिटल के जो जो प्रॉब्लम्स है उन सबको देख के, साहब तो हमारे को बहुत सालों से नीलोफर हॉस्पिटल के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएट सॉल्व करने के लिए आते हैं, उनका कोऑपरेशन हमारे साथ हमेशा है। हमारे पास जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है ज़्यादा जने आने के वास्ते, वो सब सुलझने के लिए आज आके पब्लिक और रोड जो दो बिल्डिंग नीलोफर के दो बिल्डिंग के बीच में है उसको पूरा जांच करें, और साथ में GHMC ऑफिशियल्स को, वैसे ही ट्रैफिक हायर ऑफिशियल को, सबको लेके आए, एक मीटिंग रखें, सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उसको सुलझाने के लिए प्रॉमिस करें। आज नीलोफर हॉस्पिटल का तफसील दौरा किया गया है। ये दौरा करने का मेन मकसद रहता है कि हॉस्पिटल में नए सुपरिटेंडेंट मैडम इशारा के मैडम आए हुए हैं, उनका एक बार आना देखना वो दे चुके, अभी अपनी रिसेंटली अटेंडेंस रिपोर्ट चाहती है। उससे पहले रेगुलर हमारा आना जाना रहता था, अभी से कंटिन्यू आना जाना है, तो यहाँ आके हॉस्पिटल का काम देंगे। और उसके साथ साथ ये जो रोड के ऊपर आज से मतलब 15 दिसंबर से पहले तक वन वे ये रोड चालू थी, अब 15 दिसंबर से ये वन वे रोड को भी बंद कर दिए, चूँकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, पेशेंट अटेंडर को तकलीफ हो रही है, इसको भी बंद कर दिया। मगर हमारा सोच ये है कि ठीक है, पेशेंट को तो 100% हमको सपोर्ट करना चाहिए और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल नीलोफर हॉस्पिटल है, तो उसके लिए हमको इसको न सिर्फ अच्छे से देखभाल करना चाहिए और इसको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो बाजारघाट मेन रोड जाने वाले, जिनको कोई दूसरी पैरेलल रोड नहीं है, उन लोग पीछे बस्ती में से लोकेलिटी में से पब्लिक जा रही, जिसमें लोकेलिटी में जाके पूरे का पूरा ट्रैफिक जाम हो जा रही, जहाँ पे वहाँ पे एरिया पब्लिक को भी तकलीफ़ है। इसीलिए हम आए हैं,
हमारे साथ में GHMC पुलिस डिपार्टमेंट सब है। इंशाल्लाह हम हायर ऑफिसर से, कमिश्नर सिटी पुलिस से बात करेंगे, ट्रैफिक के एडिशनल कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उनको भी पर्सनल विजिट कराएंगे, करा के बोलेंगे कि भाई हमारे को हॉस्पिटल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप जो ऑल ऑफ ए सडन ये जो बंद की है, इसको बजाय उसके अपन ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए भी वन वे चालू रख सकते थे। यहाँ पे अगर परमानेंट अगर एक दो जवान को डाल देते, किसी को ठहरने नहीं देते, तो ज़्यादा बेहतर। प्रॉब्लम जो आ रहा सुबह के टाइम पे जो आउट पेशेंट रहते हैं, वो आउट पेशेंट के टाइम पे जो बाजू जो ठेला मंडी वाले जो फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं, उन लोग हॉस्पिटल की गेट के पास में ला के सुबह के टाइम पे कारोबार कर ले रहे हैं, जिसकी तरफ से एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा। दिन में प्रॉब्लम नहीं है, अर्ली मॉर्निंग प्रॉब्लम है। उसको कैसा रिजॉल्व करना है क्या नहीं, चूँकि ऑलरेडी एक प्लेस बता दिए हैं, वो प्लेस के ऊपर कारोबार ऑलरेडी चल रहा है ठेला मंडी वालों का, फुटपाथ वालों का। तो हम चाहते हैं कि वो कारोबार उनको कंटिन्यू वहीं करने दीजिए, या हॉस्पिटल के आजू बाजू गेट करें। अगर उन्होंने कारोबार सुबह के टाइम पे नहीं करेंगे तो एरिया वालों को भी तकलीफ नहीं होगी और हॉस्पिटल को भी तकलीफ नहीं होगी, और हॉस्पिटल को जो भी नीड करने का है, जैसा फुटपाथ है, अगर फर्ज करिए आज टू व्हीलर पार्किंग है, अगर वो फुटपाथ के ऊपर ही अगर पार्किंग करवा देते हैं तो उतनी प्लेस दोनों बाजू से भी बच जाती है। इसीलिए हम इंशाल्लाह ताला पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में हमारे रेडिंग्स के नुमाइंदा कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब है, और डिप्टी कमिश्नर GHMC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GHMC, और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के पूरे लोग हैं और लॉ एंड ऑर्डर के भी लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द इसका, चूँकि कल क्रिसमस है, परसों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद आ रहे हैं, जिस पुलिस वाले बिजी है, ये दो दिन छोड़ देंगे, इंशाल्लाह हम इसका नुमाइंदगी करके ये मैटर को स्मूथली सॉल्व करेंगे, ताकि ना लोकेलिटी पीपल को तकलीफ हो, ना हॉस्पिटल को कोई परेशानी हो। इसके लिए पूरा हमारा भरपूर ताउन रहेगा इंशाल्लाह। चूँकि हमारी पार्टी प्रेजिडेंट नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अभी भी मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमेशा हेल्थ के मैदान में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स रहे और अच्छा गरीबों का इलाज फ्री में हो। उसके लिए मैं आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।